किया और प्रति सप्ताह 20,000 रुपये की सीमा तय की गई है। तत्काल आवश्यकता के लिए 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को नए एवं मान्य नोट के साथ 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक आप किसी भी बैंक या प्रमुख और उपडाकघर, हेड पोस्ट ऑफिस और सब पोस्ट ऑफिस के काउंटर से अपना पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, मतदाता कार्ड यानी कि वोटर कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड इत्यादि सबूत के रूप में पेश करके आप नोट बदल सकते हैं। प्रारंभ में 10 नवंबर से 24 नवंबर तक 4,000 रुपया तक के पुराने 500 एवं 1,000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। देश में कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिश है सरकार की। देश में हवाला कारोबार पर रोक, इससे लग सकेगी। जाली नोट का कारोबार